हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो बी6 DPF इंजेक्शन करना सीखें। दोस्तों जान लो, आपको कलर मिनट में दो लाइट आती है, ग्रीन वाली और येलो वाली, तो आपको क्या करना चाहिए, रोड किसको कैसे दूर करें, शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। DPF पार्क रीजनरेशन प्रोसीजर स्कॉर्पियो, आइए इसके बारे में जानें। जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे DPF इज क्लॉक्ड का मैसेज आए, DPF टेलटेल ऑन या ब्लिंक हो रहा हो, रीजन रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा हो, तो हम पार्क रीजनरेशन कर सकते हैं। इसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं। सबसे पहले गाड़ी को सेफ और वेंटिलेटेड स्पेस पे खड़ा करें। ध्यान रहे आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु ना हो। गियर को न्यूट्रल में डालें और हैंड ब्रेक इंगेज कर दें। इंजन को आइडल RPM पे रखना है। आप देख सकते हैं रीजन रिक्वायर्ड और DPF टेलटेल लैंप डिस्प्लेड है। आपने मोड स्विच को बार बार दबाना है ताकि रीजन विंडो डिस्प्ले हो जाए। इसके बाद सेट स्विच को तब तक दबाएं जब तक रीजन रिक्वेस्टेड का मैसेज आ जाए। अब पार्क रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंजन के RPM लगभग 2500 तक बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे ये प्रोसेस इंजन को बंद करने से या एक्सेलरेटर, ब्रेक या क्लच पेडल को दबाने से बंद हो जाएगा। 20 से 30 मिनट के बाद रीजन कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा और DPF टेलटेल लैंप ऑफ हो जाएगा। इंजन वापस आइडल पे है और पार्क रीजनरेशन खत्म है। धन्यवाद।